ओम शांति। मुरली का तारीख है 31/3/2020। मीठे बच्चे, तुम अभी पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। बाप ही मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। प्रश्न, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? उत्तर, सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा अंधों की लाठी बनना। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द लिखे जो मनुष्यों को घर का, मुक्ति का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। मनुष्य सहज समझ ले कि यहाँ शांति सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। ओम शांति। जादूगर की बत्ती सुना है, अल्लाउद्दीन की बत्ती भी गाया जाता है। अल्लाउद्दीन की बत्ती वहाँ जादूगर की बत्ती क्या क्या दिखाती है? वैकुंठ, स्वर्ग, सुखधाम। बत्ती को प्रकाश कहा जाता है। अभी तो अंधियारा है ना, अब यहाँ जो प्रकाश दिखाने के लिए बच्चे प्रदर्शनी मेले करते हैं, इतना खर्च करते हैं, माता मारते हैं, पूछते हैं बाबा इनका नाम क्या रखे। यहाँ बॉम्बे को कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। स्टीमर पहले बॉम्बे में ही आते हैं, दिल्ली में भी इंडिया गेट है, अब अपना यहाँ है गेट ऑफ मुक्ति जीवन मुक्ति। दो गेट्स है ना, हमेशा गेट दो होते हैं, इन और आउट, एक से आना दूसरे से जाना। यहाँ भी ऐसे है, हम नई दुनिया में आते हैं फिर पुरानी दुनिया से बाहर निकल अपने घर चले जाते हैं, परंतु वापस आपे ही तो हम जा नहीं सकते क्योंकि घर को भूल गए हैं। गाइड चाहिए, वहाँ भी हमको मिला है जो रास्ता बताते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको मुक्ति जीवन मुक्ति शांति और सुख का रास्ता बताते हैं। तो गेट ऑफ शांति धाम सुख धाम लिखे विचार सागर मंथन करना होता है ना, बहुत क्याला चलते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है वहाँ भी कोई को पता नहीं है। शांति और सुख तो सभी चाहते हैं, शांति भी हो और धन दौलत भी हो, वहां तो होता ही है सत्युग में। तो नाम लिख दे गेट ऑफ शांति धाम और सुख धाम, अथवा गेट ऑफ प्यूरिटी पीस प्रॉस्पर्टी, यहाँ तो अच्छे अक्षर है, तीनों ही यहाँ नहीं है। तो इस पर फिर समझाना भी पड़े। नई दुनिया में यहाँ सप्ता नई दुनिया की स्थापना करने वाला है पतित पावन गॉडफादर, तो जरूर हमको इस पुरानी दुनिया से निकल घर जाना पड़े। तो यहाँ गेट हुआ प्यूरिटी पीस प्रॉस्पर्टी का, बाबा को यह नाम अच्छा लगता है। अब वास्तव में उसकी ओपनिंग तो शुबाबा करते हैं, परंतु हम ब्राह्मणों द्वारा कराते हैं। दुनिया में ओपनिंग सेरेमनी तो बहुत होती रहती है ना, कोई हॉस्पिटल की करेंगे, कोई यूनिवर्सिटी की करेंगे, या तो एक ही बार होती है और इस समय ही होता है। तो इसीलिए विचार किया जाता है। बच्चों ने लिखा ब्रह्मा बाबा आकर उद्घाटन करें, बाप दादा दोनों को बुलाए। बाप कहते हैं तुम बाहर कहीं जा नहीं सकते, उद्घाटन करने के लिए जाए, विवेक नहीं कहता, कायदा नहीं, या तो कोई भी खोल सकते हैं, अखबार में भी पड़ेगा प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया, या नाम भी बड़ा अच्छा है ना, प्रजापिता तो सबका बाप हो गया, वहां कोई कम है क्या? और फिर बाप खुद सेरेमनी कराते हैं, करण करावन हार है ना, बुद्धि में रहना चाहिए ना, हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे,
तो कितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। वर्तमान समय मनसा वाचा कर्मणा सबसे अच्छा कर्म तो एक ही है, अंधों की लाठी बनना। गाते भी है, हे प्रभु अंधों की लाठी। अब अंधे ही अंधे हैं तो बाप आकर लाठी बनते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम स्वर्ग में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाते हो। नंबरवार तो है ही, यहाँ बहुत बड़ी बेहद की हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। समझाया जाता है आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा पतित पावन है। तुम उस बाप को याद करो तो सुखदाम चले जाएंगे। यहाँ है हेल, इनको हेवन नहीं कहेंगे। हेवन में है ही एक धर्म, भारत स्वर्ग था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। यहाँ सिर्फ याद करे, यहाँ भी मन मनाभव है। हम स्वर्ग में सारे विश्व के मालिक थे, इतना भी याद नहीं पड़ता है। बुद्धि में हमको बाप मिला है तो वहां खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया भी कम नहीं है। ऐसे बाप का बनकर फिर भी इतनी खुशी में नहीं रहते हैं, गुटके खाते रहते हैं। माया घड़ी घड़ी बहुत गुटके खिलाती है, शुबाबा की याद बुला देती है। खुद भी कहते हैं याद टहरती नहीं है, बाप गुटका खिलाते हैं ज्ञान सागर में। माया फिर गुटका खिलाती है विषय सागर में, बड़ा खुशी से गुटका खाने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं शुबाबा को याद करो, माया फिर बुला देती है। बाप को याद ही नहीं करते, बाप को जानते ही नहीं। दुख हरता सुख करता तो परम पिता परमात्मा है ना, वहां है ही दुख हरने वाला। वहां फिर गंगा में जाकर डुबकी लगाते हैं, समझते हैं गंगा पतित पावनी है। सतयुग में गंगा को दुख हरनी पाप कटनी नहीं कहेंगे। साधु संत आदि सब जाकर नदियों के किनारे बैठते हैं, सागर के किनारे क्यों नहीं बैठते हैं? अभी तुम बच्चे सागर के किनारे बैठे हो, ढेर के ढेर बच्चे सागर पास आते हैं, फिर समझते हैं सागर से निकली हुई यहाँ छोटी बड़ी नदियां भी है। ब्रह्मपुत्र सिंध सरस्वती यहाँ भी नाम रखे हुए हैं। बाप समझाते हैं बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत ध्यान रखना है, कभी भी तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध पहले मनसा में आता फिर वाचा और कर्मणा में भी आ जाता है। यहाँ तीन खिड़कियां हैं, इसीलिए बाप समझाते हैं मीठे बच्चे वाचा अधिक नहीं चलाओ, शांति में रहो। वाचा में आए तो कर्मणा में आ जाएगा। गुस्सा पहले मनसा में आता है फिर वाचा कर्मणा में आता है, तीन खिड़कियों से निकलता है। पहले मनसा में आएगा, दुनिया वाले तो एक दो को दुख देते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुमको तो कोई को भी दुख नहीं देना है, ख्याल भी नहीं आना चाहिए, साइलेंस में रहना बड़ा अच्छा है। तो बाप आकर स्वर्ग का अथवा सुख शांति का गेट बतलाते हैं, बच्चों को ही बतलाते हैं। बच्चों को कहते हैं तुम भी औरों को बतलाओ। प्यूरिटी पीस प्रॉस्पर्टी होती है स्वर्ग में, वहां कैसे जाते हैं वहां समझना है। या महाभारत लड़ाई भी गेट खोलती है, बाबा का विचार सागर मंथन तो चलता है ना। क्या नाम रखे, सवेरे विचार सागर मंथन करने से माखन निकलता है, अच्छी राय निकलती है। तब बाबा कहते हैं सवेरे उठ बाप को याद करो और विचार सागर मंथन करो। क्या नाम रखा जाए, विचार करना चाहिए, कोई का अच्छा विचार भी निकलता है।
अब तुम समझते हो, पतित को पावन बनाना माना, नरकवासी से स्वर्गवासी बनाना। देवताएं पावन हैं, तब तो उनके आगे माता टेकते हैं। तुम अभी किसी को माता नहीं टेक सकते हो, कायदा नहीं बाकी युक्ति से चलना होता है। साधु लोग अपने को ऊंच पवित्र समझते हैं, औरों को अपवित्र नीच समझते हैं। तुम बल जानते हो हम सबसे ऊंच है, परंतु कोई हाथ जोड़े तो रेस्पॉन्ड देना पड़े। हरि ओम तत्सत कहते हैं तो करना पड़े, युक्ति से नहीं चलेंगे तो वहां हाथ नहीं आएंगे। बड़ी युक्तियां चाहिए, जब मौत सिर पर आता है तो सभी भगवान का नाम लेते हैं। आजकल इत्तफाक तो बहुत होते रहेंगे, ऐसते ऐसते आग फैलती है। आग शुरू होगी विलायत से, फिर ऐसते ऐसते सारी दुनिया जल जाएगी। पिछाड़ी में तुम बच्चे ही रह जाते हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाती है तो फिर तुमको वहां नई दुनिया मिलती है। दुनिया का नया नोट तुम बच्चों को मिलता है, तुम राज्य करते हो। अल्लाह अवलुद्दीन की बत्ती भी मशहूर है ना, नोट ऐसा करने से कारून का खजाना मिल जाता है भी बरोबर। तुम जानते हो अल्लाह अवलुद्दीन जट इशारे से साक्षात्कार कराते हैं। सिर्फ तुम शुबाबा को याद करो तो सब साक्षात्कार हो जाएंगे। नवदा भक्ति से भी साक्षात्कार होता है ना, यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार तो होता ही है। फिर तुम बाबा को स्वर्ग को बहुत याद करेंगे, घड़ी घड़ी देखते रहेंगे। जो बाबा की याद में और ज्ञान में मस्त होंगे वही अंत की सभी सीनरी देख सकेंगे। बड़ी मंजिल है अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना मासी का घर नहीं, बहुत मेहनत है, याद ही मुख्य है। जैसे बाबा दिव्य दृष्टि दाता है तो स्वयं अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बन जाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में तीव्र वेग से याद करते हैं तो साक्षात्कार होता है, अपनी मेहनत से जैसे दिव्य दृष्टि दाता बन जाते हैं। तुम भी याद की मेहनत में रहेंगे तो बड़ी खुशी में रहेंगे और साक्षात्कार होते रहेंगे। यहाँ सारी दुनिया भूल जाए, मन मनाबो हो जाए, बाकी क्या चाहिए। योग बल से फिर तुम अपना शरीर छोड़ देते हो। भक्ति मार्ग में मेहनत होती है, इसमें भी मेहनत चाहिए। मेहनत का रास्ता बाबा बहुत फर्स्ट क्लास बताते रहते हैं। अपने को आत्मा समझने से फिर देह का बान नहीं रहेगा, जैसे बाप समान बन जाएंगे। साक्षात्कार करते रहेंगे, खुशी भी बहुत रहेगी। रियलिटी सारी पिछाड़ी की गाई हुई है, अपने नाम रूप से भी न्यारा होना है तो फिर दूसरे के नाम रूप को याद करने से क्या हालत होगी। नालिश तो बहुत सहज है, प्राचीन भारत का योग जो है जादू उसमें है, बाबा ने समझाया है। ब्रह्म ज्ञानी भी ऐसे शरीर छोड़ते हैं, हम आत्मा है, परमात्मा में लीन होना है। लीन कोई होते नहीं है, है ब्रह्म ज्ञानी, बाबा ने देखा है। बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, वायुमंडल बड़ा शांत रहता है, सन्नाटा हो जाता है। सन्नाटा भी उनको बासेगा जो ज्ञान मार्ग में होंगे, शांति में रहने वाले होंगे। बाकी कई बच्चे तो अभी बेबिया है, गड़ी गड़ी गिर पड़ते हैं। इसमें बहुत बहुत गुप्त मेहनत है, भक्ति मार्ग की मेहनत प्रत्यक्ष होती है। माला फेरो, कोटी में बैठ भक्ति करो, यहाँ तो चलते फिरते तुम याद में रहते हो। कोई को पता पड़ ना सके कि या
राजाई ले रहे है। योग से सारा हिसाब किताब चुप्त करना है, ज्ञान से तोड़े ही चुप्त होता है। हिसाब किताब चुप्त होगा याद से, कर्म भोग याद से चुप्त होगा। यहाँ है गुप्त, बाबा सब कुछ गुप्त सिखलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा, कभी भी क्रोध नहीं करना है। इन तीनों खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना है, वाचा अधिक नहीं चलाना है, एक दो को दुख नहीं देना है। सेकंड पॉइंट, ज्ञान और योग में मस्त रह, अंतिम सीन सीनरी देखनी है। अपने व दूसरों के नाम रूप को भूल, मैं आत्मा हूं। इस स्मृति से देह बान को समाप्त करना है। वरदान, रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भवा, जैसे वर्तमान समय के प्रमाण शरीर के लिए सर्व बीमारियों का इलाज एक्सरसाइज सिखाते हैं, ऐसे आत्मा को सदा शक्तिशाली बनाने के लिए रूहानी एक्सरसाइज का अभ्यास चाहिए। चारों ओर कितना भी हलचल का वातावरण हो, लेकिन आवास में रहते आवास से परे स्थिति का अभ्यास करो। मन को जहां और जितना समय स्थित करने चाहो उतना समय वहां स्थित कर लो, तब शक्तिशाली बन फाइनल पेपर में पास हो सकेंगे। स्लोगन, अपने विकारी स्वभाव संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना है, समर्पित होना है। अच्छा, ओम शांति।